नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की मुहिम तेज, अंकित शुक्ला। नशा मुक्ति अभियान 1 नवंबर से 26 जनवरी तक सभी जनपद में रहेगा जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद श्री कौशल किशोर जी ने उत्तर प्रदेश का एनसीसी व सैनिक सहप्रभारी अंकित शुक्ला को मनोनीत करते हुए कहा कि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरह निरंतर जनपद में जनसेवा कर रहे हो, आप इस पहल में भी ज्यादातर युवाओं को जोड़ेंगे और नशा मुक्त संकल्प दिलाकर नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग देंगे। अंकित शुक्ला ने कहा, प्रदेश का युवा वर्ग नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित न हो और नशे के खिलाफ पूरे समाज को जागरूक करने के लिए 1 नवंबर से 26 जनवरी तक अभियान जारी रहेगा। प्रदेश में राज्य, जिला, अनुभाग, ग्राम और नगरीय निकाय स्तर पर नशा मुक्ति अभियान सभाओं के आयोजन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ आरंभ किया जाएगा। अभियान में पहले नशा के आदि रहे और अब नशा मुक्त हो चुके लोगों के प्रेरणादायी अनुभव भी साझा किए जाएंगे। महिलाएं नशे से होने वाली हिंसा और उत्पीड़न को सबसे ज्यादा शिकार होती देखी गई है। कार्यक्रमों में ऐसे लक्षणों की भी जानकारी दी जाएगी जिसमें माँ, मित्र, भाई बहन आदि समझ जाए कि बच्चे नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, जिसे समय से पूर्व ही उसे व्यसन के गिरफ्त में जाने से बचाया जा सके। अंकित शुक्ला ने कहा कि जगह जगह होंगे नशा मुक्ति कैंप लगाकर कार्यक्रम शुभारंभ होगा। नशे से ग्रसित व्यक्ति और नशे की ओर आकर्षित होने वाले व्यक्तियों को व्यसन से मुक्ति दिलाने के लिए नशा मुक्ति कैंप भी होंगे। शिविरों में वर्तमान में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों और नशा मुक्ति हेल्पलाइन 7068444747 द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। अभियान में होने वाले कार्यक्रमों में स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर में जन जागरूकता, ध्यान हिंदुस्तानियों, नशा छोड़ो कार्यक्रम, व्यक्ति समुदाय तक पहुंच बनाना, हॉटस्पॉट और वॉलंटियर्स का चिन्हांकन, काउंसलिंग, पुनर्वास सेवाएं, उपचार सुविधाओं की जानकारियां, सेवा प्रदाता का क्षमता विकास, नशा नियंत्रण संबंधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, वॉल पेंटिंग, रंगोली, परिचर्चा आदि प्रतियोगिताएं, मैराथन दौड़, नुक्कड़ नाटक, नशा मुक्ति के लिए रैली और मानव श्रृंखला निर्माण, स्कूल कॉलेजों में विषय विशेषकों के व्याख्यान होंगे, ऑटो रिक्शा, कचरा वाहन आदि द्वारा नशा मुक्ति के संदेश का प्रसारण और नशा मुक्ति गान का प्रसारण होगा। स्कूल कॉलेजों में होंगे कार्यक्रम और गतिविधियां। नवंबर माह में स्कूल कॉलेजों में गतिविधियां होंगी, व्याख्यान, प्रेजेंटेशन, लघु फिल्म का प्रदर्शन, विद्यार्थियों द्वारा पाती अपने के नाम निबंध प्रतियोगिता, चित्रकार प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताएं होंगी। अंतिम दिन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।